हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का 10.1 हल करें 10.1 का 3 नंबर का सवाल लाएं। 3 नंबर का सवाल में आप देखिए क्या कहा। सुवीर चाचा ने 176 रुपये की एक घड़ी बेची है। यदि घड़ी बेचकर सुवीर चाचा को 12% का हानि हो गई तो उन्होंने घड़ी कितने में खरीदी थी? देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या। एक दिया हुआ है घड़ी का विक्रय मूल्य, बेची है मतलब घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा दिया हानि प्रतिशत, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व आप करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है गिवन घड़ी का विक्रय मूल्य, कितना दिया घड़ी का विक्रय मूल्य 176 रुपीज, ठीक है। ध्यान से देखिए, और लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत दिया है, तो आप लिखेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर 12%, ठीक है। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर वाट, ठीक है। क्रय मूल्य का सूत्र इसके पहले वाला वीडियो में हम लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, नहीं तो आप देख लीजिए क्रय मूल्य का सूत्र क्या है। चूंकि क्रय मूल्य अगर हानि होता है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि प्रतिशत मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य, ठीक है। ये सूत्र अगर आप बैठाते हैं तो बड़ी आसानी से आपको क्रय मूल्य मिल जाता है, कोई माथा लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। देखिए 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे, और विक्रय मूल्य कितना है 176, तो जो है वही आपको बैठा देना है इस सूत्र में, ध्यान से, ठीक है। इसको बैठा देने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 100 में 12 घटा दीजिए, 88 मल्टीप्लाई 176। अब ये देखिए ये दोनों कटने जा रहा है 11 से, 11 अठी 88, 11 एकम 11 अगर 66, अब इसको भी काट लेंगे 2 से, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका मान आता कितना है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 200 रुपया, जो कि घड़ी का क्या है, क्रय मूल्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपया, अतः घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपीज, ठीक है, आंसर आ गया। अब एक तरीका और आप देखिए, अगर मान लिया जाए आप सूत्र याद नहीं किए हैं, ठीक है, सूत्र आप याद नहीं किए हैं तो आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर सूत्र याद है तो अच्छी तरह से उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर सूत्र याद नहीं है तब देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि घड़ी का क्रय मूल्य, चूँकि देखिए क्रय मूल्य पर ही हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत जोड़ा जाता है, तो माना कि घड़ी का क्रय मूल्य आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपया, ठीक है, इसलिए हानि बराबर एक्स का 12/100, ये हानि प्रतिशत 12% है, इसलिए इसको हानि अगर निकालेंगे तो एक्स का 12/100 हानि हो गया। अब इसको काट लीजिए, 4 से काट रहे हैं 25/100, अब काट करके आगे आपका 3x/25, ठीक है, ये हानि हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। अब बताइए कि जब हानि होता है तो सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि,
ये हम लोग जानते हैं कि अगर हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, या क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है 176 इज इक्वल टू, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य x है, x माइनस 3x बटे 25। ठीक है, एक इक्वेशन आपको मिल गया कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है, और 176 इज इक्वल टू 25x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, इसको हम भिन्न का जोड़ कर दिए। अब देखिए क्या मिला आपको, 176 इज इक्वल टू 25 में 3 माइनस कर दीजिए, 22x डिवाइडेड बाय 25, इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22, और 11 से अगर काटेंगे तो 11 कम 11 66, 2 से काट दीजिए 8। अब क्या होगा, इसको क्रॉस गुना आप कर सकते हैं, 8/1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 25। अब जब क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 8 × 25। तो देखिए x हम लोग क्या माने थे, x वस्तु का क्रय मूल्य माने थे, घड़ी का क्रय मूल्य माने थे, और x बराबर 8 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 200 रुपया। अतः घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, घड़ी का क्रय मूल्य जो हम लोग माने थे x माने थे ना, आ गया 200 रुपया। तो आप चाहें तो इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका आपको बता दिया गया है, इन दोनों तरीकों में जो भी आप कर सकते हैं कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी रोक करके ले सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा तरीका है, ठीक है, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है जैसे कि आप घड़ी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या है, अनोबरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपये के दर से बेचती है। तो गन्ना करके देखें कि अनोबरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए 10 नींबू को वो 30 रुपये में खरीदती है और यहाँ प्रति दर्जन 42 रुपये के दर से बेचती है, तो अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी निकालना होगा, तो एक नींबू का क्रय मूल्य अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पर लाभ हानि निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 10 नींबू को 30 रुपये में ख़रीदता है, तो एक नींबू को कितना में ख़रीदेगा, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गिवन 10 नींबू का क्रय मूल्य 30 रुपया, इसलिए एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30/10, आराम से निकाल लिए 3 रुपया हो जाएगा, 3 रुपया, ठीक है। अतः एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर 3 रुपया। अब देखते हैं कि एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होता है, चूँकि 12 नींबू को कितना में बेचा जाता है, नींबू का विक्रय मूल्य 12 नींबू को 42 रुपये में बेचा जाता है। ये कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है, यानी प्रति दर्जन ये 12 नींबू को 42 रुपये में बेच रहा है, इसलिए बताइए एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 42/12, ठीक है, काट देते हैं 6 से काट देते हैं, 6 × 12 और 6 × 42 आ गया कितना, 350,
यानी 3 रुपये 50 पैसे, ठीक है। एक नींबू का विक्रय मूल्य निकल गया 3 रुपये 50 पैसे। अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत, तो यहाँ देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, इसलिए लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों हमको पता हो गया, तो 3.50 - 3 इजकल टू 0.50, ये जो आया है ये इसका लाभ आया, इसलिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे। जब लाभ आ जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालना बहुत आसान, लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। अच्छा, लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 0.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना हुआ, तो क्रय मूल्य 3 रुपया हुआ, ठीक है, क्योंकि एक नींबू का दाम 3 रुपया पड़ा था। अब इसको 50/100 कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100/3 कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम दशमलव हटा दिए। अब 100/100 तो ऐसे ही काट लेंगे और ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो क्या करना है, 50/3 लिखना है अभी। अब इसको भाग देना है, भाग देना है तो आएगा कितना, 16/3 = 48, यानी 16.2/3%। तो ये जो लाभ हुआ 16.2/3%, यही नींबू को बेच करके इसे लाभ हुआ। अतः नींबू बेच कर 16.2/3% का लाभ होगा आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप इसे बताइए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।